डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्टिकल बेंच की मदद से कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए, ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब फोकल लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो ये अरेंजमेंट हमें कैसे करना है कि हमने एक बार कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स कर दिया और यहां पे किसी डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स मिरर को फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान रहे कि ये वाला पिन इसके पीछे की साइड है, मतलब जहां से लाइट उसको अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस वाली पिन को थोड़ा सा मूव कराएंगे, इस तरह से मूव कराएंगे कि इन दोनों से बनने वाला इमेज इस पिन के ऊपर हमें मिले और हम इसे इस अरेंजमेंट को उस पोजीशन में सेट करेंगे जहां पर इन दोनों की वजह से मिलने वाले इमेज और इस पिन में पैरेलेक्स रिमूव हो जाए। अब ये पैरेलेक्स कैसे रिमूव होता है, हमने इसके पहले ऑप्टिकल बेंच के एक्सपेरिमेंट में समझा था, फिर भी बताते हैं बेटा। ये अगर गर्दन को इस तरह से मूव कराने पर उस इन दोनों की वजह से बनने वाला इमेज और इसमें इस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो पैरेलेक्स रिमूव्ड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इस पोजीशन में लाएंगे कि पैरेलेक्स रिमूव हो जाए, उसके बाद में हम इस लेंस मिरर को रिमूव कर देंगे, उसके बाद इन दो पोजीशन को चेंज नहीं करना है, फिर हम केवल उस पोजीशन को, उस पिन को ऐसी पोजीशन में रखेंगे कि इसकी वजह से इमेज इस पिन के ऊपर बन जाए और पैरेलेक्स रिमूव हो जाए। मैं एक बार पूरा एक्सपेरिमेंट वापस नट सेल में समझाता हूं, ध्यान रखें। सबसे पहले हमने इस पूरे अरेंजमेंट को इस तरह से सेट कर दिया, देखिए यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, लेंस है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, नॉन रिफ्लेक्टिंग उस तरफ है। अब हम इसका इमेज इन दोनों की वजह से ऑब्टेन करेंगे जो इसके ऊपर होगा और हमें पैरेलेक्स रिमूव करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इस मिरर को हटा देंगे, फिर हमें केवल उस पिन को उस पोजीशन पे लाना है कि इसका इसकी वजह से बनने वाला इमेज और इस वाली पिन में पैरेलेक्स रिमूव हो जाए। तो हम इस अरेंजमेंट में जबकि लेंस और मिरर दोनों प्रेजेंट हैं, हम पैरेलेक्स रिमूव करने की कोशिश करते हैं।